इंद्रप्रस्थ गैस के रीसेंट शेयर प्राइस गिरावट को गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी से जुड़ा जा रहा है। आइए समझ लेते हैं इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है और कौन किस पर असर कर रहा है। वैसे तो कोविड से निकलते हुए कंपनी के परफॉर्मेंस H1 2022 के लिए बहुत अच्छा था। मार्च 20 का 1521 करोड़ से इबिड्डा पहुंच गया है 1902 करोड़, क्वाइट इंप्रेसिव है प्री कोविड टू पोस्ट कोविड। वैसे तो वॉल्यूम्स भी मार्च 20 के वॉल्यूम्स के बहुत नजदीक आ गए हैं, 2357 वर्सेस 2340। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इबिड्डा पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर वो भी 6.5 रुपए से बढ़कर 8.1 रुपीज बन गया है, वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट। यही टाइम पे रियलाइजेशन में करीब 1.5 रुपए की गिरावट देखने को मिलती है, फ्रॉम 27.5 टू 26। गिरता हुआ रियलाइजेशन, बढ़ता हुआ इबिड्डा, दोनों का असर यह है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पर इतना कंट्रोल किया है कि पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो कॉस्ट था 21 मार्च 20 में, उसमें गिरावट आया है करीब 3 रुपये, तो गिरकर पहुंच गया है ₹18 और उसके आसपास। ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा साबित हुआ है, लेकिन मार्केट खुश नहीं नजर आया। अप्रैल 20 के कोविड क्रैश के बाद हमेशा निफ्टी के साथ रहा आईजीएल का शेयर प्राइस, सितंबर में डाइवर्जेंस का शिकार हो गया और निफ्टी चल पड़ी ऊपर की तरफ, आईजीएल का शेयर प्राइस नीचे गिर पड़ा और खाई बढ़ती गई। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग और सरप्राइजिंग चीज थी। शेयर प्राइस के मूवमेंट में एक रिले टीम नजर आई। शेयर प्राइस सितंबर 21 को 20 ईएमए को क्रॉस करते नीचे चली गई, फिर 20 ईएमए ने 50 ईएमए को काट दिया नीचे की तरफ 28 सितंबर को, 50 ईएमए ने 100 को काट दिया 19 अक्टूबर तक, और 100 ईएमए ने 200 ईएमए को नीचे की तरफ काट दिया। सिर्फ 100 दिनों में मार्केट प्राइस चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया और बैरिश जोन में शॉर्ट टर्म स्टे के लिए पहुंच गया। इस बीच प्राइस जो थी 561 20 सितंबर को, 20 जनवरी तक करीब 30% गिरावट की शिकार हो गई और पहुंच गई फाइनल प्राइस ऑफ 394। कोविड क्रैश में लोवेस्ट प्राइस आया था 19 मार्च 2020 को 284। उस लेवल से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की स्टेटस कंफर्म करें तो अभी का प्राइस जो 394 है वो पाया जाएगा दो फिबोनाची लेवल्स के बीच में, जो है 23.6359 और 38.2405। जब तक आईजीएल का शेयर प्राइस विद वॉल्यूम्स और फर्मली 405 को पार नहीं करता, कंपनी रह सकती है इन द शॉर्ट टर्म बैरिश जोन में। मैं हूं विट्ठल प्रभु, लेकर वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। भारत सरकार ने भारत के एनर्जी मिक्स में जो नेचुरल गैस का हिस्सा है करेंटली 6%, उसको 15% तक ले जाने की योजना इसलिए बनाई है कि नेचुरल गैस रहा है क्लीनेस्ट फ्यूल और पेट्रोल और डीजल के सामने ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हैं सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। इनके मेजर ऑपरेशंस रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद और रेवाड़ी में। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है चुने हुए इलाकों में। इंद्रप्रस्थ गैस इसलिए खास है कि दुनिया में ये फ्यूल करता है लार्जेस्ट सीएनजी बस फ्लीट। इसके रहे हैं सीएनजी स्टेशंस, रेसिडेंशियल कनेक्शंस और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स ऑफ वेरी बिग साइज। कंपनी जानी जाती है अपने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के लिए, जो उसका फाइनेंशियल हेल्थ का सबूत है। उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोस आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस साइजेबल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद कंपनी दे पा रही है कॉन्स्टेंट डिविडेंड कंटिन्यूअसली।
और उसके ऑपरेशनल सरप्लस इन सभी चीजों के बाद रहा है क्वाइट सब्सटेंशियल और ग्रोइंग, बढ़ता हुआ हर साल, और कंपनी के कैपेक्स भी रहा है क्वाइट बिग, जिसके सपोर्ट में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हम पिछले 5 सालों के सीएजीआर से रेवेन्यू को देखें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ 6% रहा है, 3686 करोड़ से बढ़कर 4941 करोड़। लेकिन प्रॉफिट की बात करें, एसेट्स की बात करें या नेटवर्क की बात करें, 5 ईयर सीएजीआर बनता है करीब 20%, जो क्वाइट इंप्रेसिव रहा है। इन सभी के सामने आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन या शेयर प्राइस। इसका शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में सीएजीआर रखता है 35%, ये बहुत डेंजरसली हाई रहा है। यही वजह है, छोटा कारण मिल गया तो कंपनी का शेयर प्राइस अचानक डायरेक्शन मोड़ के गिरने पर चल पड़ता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5 ईयर सीएजीआर रहा है 35%, इसलिए कि 2016 में 8000 मार्केट कैप, 2021 तक पहुंच गया करीब 35,800। इसका एक ही वजह कि शेयर प्राइस हर साल बढ़ता था और पहुंच गया था 512 31 मार्च को। रिसेंट प्राइस ऑफ 394 पर पीई मल्टीपल नीचे आ गया है 19 तक, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि 19 से ये फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ेगा या नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट का इशारा है डाउनसाइड फिर भी हो सकता है। माना जाता है रिसेंट एग्रीगेटर्स पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट से कंपनी के शेयर प्राइस पर बहुत असर हुआ है, क्योंकि ये पॉलिसी बताती है कि सीएनजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एग्रीगेटर्स अपने पोर्टफोलियो में नए व्हीकल्स को दाखिल करें। इसकी वजह से कंपनी के टोटल रेवेन्यू है जिसमें एग्रीगेटर्स का हिस्सा है 30%, वो 30% रेवेन्यू के ऊपर असर हुआ है, और ये हमको साफ साफ देखने को मिलता है शेयर प्राइस के गिरावट में भी। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल के परसेंटेज के बढ़ने की संभावना ज्यादा है, वही बेसिस पर आईजीएल के सेल्स वॉल्यूम पर भी बहुत नेगेटिव असर रहेगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का, 22.5% बीपीसीएल है जो प्रमोटर रहा है, साथ में गेल भी दूसरा प्रमोटर होल्डिंग 22.5%, 5% रखता है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, और रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेयर होल्डिंग फ्रॉम एफपीआईस अराउंड 24% और इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स। शेयर होल्डिंग इसलिए खास है कि बीपीसीएल जो वन ऑफ द प्रमोटर्स है अभी जा रहा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के रूट पर, जिससे इंद्रप्रस्थ गैस नहीं रहेगा फ्यूचर में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट। साथ में कंपनी के प्रमोटर्स में चेंजेस आने की वजह से बीपीसीएल के न्यू इन्वेस्टर को करने की जरूरत पड़ेगी एक ओपन ऑफर टू शेयर होल्डर्स ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 26% फॉर एक्विजिशन। इन सभी चीजों का असर जरूर होगा इंद्रप्रस्थ गैस के स्ट्रक्चर पर, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। आईजीएल के 3 खास पॉजिटिव्स नजर आते हैं। सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है कॉम्पिटिटिव एज में, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अदर सीजीडीज में स्टेक्स ले रहे हैं, ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज भी इनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। नेगेटिव्स में कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और डीलर मार्जिन्स के डिमांड्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और रिसेंट गवर्नमेंटल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के मुसीबत और बढ़ा देगा। इंद्रप्रस्थ गैस रहा है क्वाइट प्रॉफिटेबल, मार्केट एज है उसके साथ, लेकिन ईवी थ्रेट उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके सपोर्ट, इंटरेस्ट और वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।